कोरोना वायरस से बचने के लिए अपने हाथों को लगातार साबुन से धोएं। भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें। देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के प्रकोप से कोहराम मचा हुआ है। कोरोना के कहर से जनता को बचाए रखने के लिए हिंदुस्तान में भी 21 दिनों का लॉकडाउन लगा दिया गया है, लेकिन कुछ लोग नियम कानून की धज्जियां उड़ाने से बाज नहीं आ रहे। सरकारें भी अपनी पुरजोर कोशिश में लगी हैं कि संकट के इस समय में जनता को कोई परेशानी ना हो। इसके लिए सरकारों ने दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। बावजूद इसके एक नजारा उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में भी देखने को मिला, जब किशनपुर पुलिस चौकी घंटाघर के पास दो किन्नर पुलिस वालों से ही बहस करने में जुट गए। पुलिस ने किन्नरों को लाख समझाने की कोशिश की कि वह घर पर ही रहें, बाहर ना निकलें, लेकिन किन्नर इतनी आसानी से भला कहां मानने वाले थे। वो तो उल्टा पुलिस वालों को ही कोसने लग गए। हालांकि कुछ देर बाद किन्नरों को वापस जाना ही पड़ा, लेकिन जाते जाते किन्नर पुलिस को पास पास ना खड़े रहने की नसीहत भी दे गए। सुबह 6 बजे से 9 बजे तक सारी राशन की दुकान खुल रही है, दूध की दुकान खुल रही है, दवा की दुकान, सब कुछ मिलेगा 9 बजे तक। ये लॉकडाउन इसलिए किया गया है कि ये वायरस एक से दूसरे में फैल रहा है। इटली में जानते हो तुम, इतना इकट्ठे हो रहे, तुम्हारे से लग जाए किसी के, क्या पता। चलो चलो जाओ, बात तो इसने सही कहा, मैं 50 जाने के लिए बैठे, तुम्हारे बात सही कह रहा है भाई, क्या पता तुम्हारे यो है कब तक। देश और दुनिया की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे चैनल अलाइव 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।